बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का त्वरित असर देखने को मिला। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और पोटाश ब्लॉक नीलामी रद्द करने की खबर प्रसारित की गई थी और आज दो आरई और एक पोटाश ब्लॉक नीलामी में खान विभाग ने जारी किया है स्पष्टीकरण। खनन निदेशक भगवती प्रसाद तिलाल ने कहा है कि केंद्र स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जारी करेगा नए प्रावधान। स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में निजी क्षेत्र में बढ़ेगी भागीदारी। प्रोत्साहन प्रावधानों के बाद नए सिरे से आरंभ होगी 3 ईएल की नीलामी प्रक्रिया, यानी कि जब फर्स्ट इंडिया के द्वारा ये खबर प्रसारित की गई तो प्रशासन एक्शन मोड में आया है और त्वरित असर देखने को मिला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए आयुषी, कल ही फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर प्रसारित की थी कि देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा था राजस्थान, जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के दो और पोटाश का एक ब्लॉक उसको नीलाम करता। लेकिन पूरी प्रक्रिया को 6 मार्च को जब शुरू किया गया, इसकी एनआईटी जारी की, उससे पहले 5 दिन में पूरी कर लिया गया, तो ऐसा लग रहा था कि अनावश्यक जल्दबाजी की गई है। इसी बात को लेकर खबर प्रसारित की और आज जो खनन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल हैं, उन्होंने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि केंद्र द्वारा इस तरह के निर्देश मिले थे कि इस प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए और उसके बाद जब नए प्रावधान केंद्र सरकार लागू करे, केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय, उसके बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। तो खास बात यह है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसके 2 ब्लॉक थे और 1 पोटाश का ब्लॉक था, और कुल मिलाकर के अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन की जो एक नई नीति केंद्र सरकार लेने आ रही है, इसमें 29 तरह के मिनरल्स हैं आयुषी, जिसमें खास बात यह भी, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट है, पोटाश है, लिथियम है, टंगस्टन, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, टिटेनियम, बेरिलियम, सिल्वर, इस तरह के जिंक, गोल्ड और लेड, इस तरह के मिनरल्स शामिल हैं जो कि बहुत रेयर मिनरल्स हैं, बेशकीमती मिनरल्स। और खासकर रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं तो ये इस तरह का मिनरल है जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बहुत सस्ते हो जाएंगे अगर इसका उत्पादन राजस्थान के अंदर, इसका खनन होने लगे तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण घटना थी और एक महत्वपूर्ण बात इसलिए भी थी कि राजस्थान पहला राज्य बनने जा रहा था, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने अब कहा है कि थोड़ी इसमें संयम बरता जाए, केंद्र क्योंकि आचार संहिता का दौर चल रहा है, जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद केंद्र नए प्रावधान जारी करेगा और नए प्रावधान में निजी क्षेत्र की सहभागिता को और बढ़ाने की बात है ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की फर्म, इस तरह की एजेंसीज, इस तरह की कंपनियां सामने आए जो मिनरल एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस इन रेयर अर्थ का लेना चाहती है राजस्थान के अंदर। तो माना यह जा रहा है कि अब चूंकि नए सिरे से जब प्रक्रिया शुरू होगी तब तक आचार संहिता का दौर चलेगा, यानी 4 जून तक तो अब यह संभव नहीं है, तो जुलाई या अगस्त में केंद्र सरकार नए प्रावधान जारी करेगा। तो माना यह जा रहा है कि अब अगले वर्ष, मतलब इस वर्ष के सितंबर या अगले वर्ष की शुरुआत में ही इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट के 2 और पोटाश का 1 ब्लॉक है जिसका मिनरल एक्सप्लोरेशन जारी किया जाए। तो कहा जा सकता है कि अब कम से कम 6 से 8 महीने का वक्त इसमें और लगेगा और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को प्रसारित करके यही बताने की कोशिश की थी कि इसमें अनावश्यक जल्दबाजी की गई, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़े मिनरल्स हैं, बहुत बेशकीमती मिनरल्स हैं, इसलिए इसमें पूरी सावधानी के साथ, पूरी सावचेती के साथ, पूरे संयम के साथ इस प्रक्रिया को अपनाई जाए ताकि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा इस तरह के जो बेशकीमती मिनरल हैं उनका खनन संभव हो, उनसे उत्पादन बढ़े उनका, उनसे रोजगार सृजन हो, राज्य सरकार के खजाने में एक भारी राशि जो राजस्व है वो भी उसके अंदर आए। तो कहने का चीजें तात्पर्य यही कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर को हाथों हाथ खान विभाग ने लिया और उसके बाद खनन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि अब केंद्र के नए प्रावधान आने के बाद ही इन तीनों जो ब्लॉक्स हैं, 2 रेयर अर्थ एलिमेंट के और 1 पोटाश का जो ब्लॉक है, उसके मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। आयुष बिल्कुल, निर्मल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।